हेलो फ्रेंड्स, आज हम लैपलास के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लैपलास ऑफ ई रेस टू टी साइन टी कॉस टी। फर्स्ट स्टेप में हम पहले लैपलास ऑफ साइन टी कॉस टी सॉल्व करेंगे। आपको साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पता है, 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में याद किया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको उसे अप्लाई करेंगे, 1/2 लैपलास ऑफ साइन ऑफ 3t। तो 3t कहाँ से आया, टी प्लस टू टी 3t प्लस साइन ऑफ टी माइनस टू टी क्या होता है, माइनस टी होता है, और साइन ऑफ माइनस टी आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन टी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 लैपलास साइन 3t और ये माइनस साइन टी ऐसे ही लिखेंगे। फिर बाद में आपको लैपलास ऑफ साइन 3t निकालने का, आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन ऑफ लैपलास ऑफ साइन 80 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू 3, तो 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, राइट। फिर ये माइनस, आपको लैपलास ऑफ साइन टी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो 1/s² + 1। इसके बाद हम बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, लैपलास ऑफ ई रेस टू टी साइन टी कॉस टी कॉस टू टी। तो साइन टी और कॉस टू टी का हमने लैपलास तो निकल लिया, फिर उसको अटैच क्या है, ई रेस टू टी है, तो ई रेस टू ए टी। तो ये बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आता है ई रेस टू ए टी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, राइट। तो 1 होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ ऑफ एस माइनस ए करना है। तो जो आपका लैपलास आया है, जिधर यस है यस, उस उधर आपको यस माइनस 1 पुटअप करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या है, लैपलास ऑफ ई रेस टू टी साइन टी कॉस टू टी इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 3 अपॉन एस माइनस 1। जहाँ पे यस है वहाँ पे सिर्फ एस माइनस 1 करना है। 1 क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लैपलास ऑफ ई रेस टू टी है, तो ई रेस टू ए टी होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। एस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/ एस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस टी कॉस टी साइन 3t। फर्स्ट स्टेप है लैपलास ऑफ कॉस टी साइन 3t। फिर आपको कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला पता है, 1/2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सॉल्व करेंगे, 1/2 लैपलास ऑफ साइन ऑफ 4t। 4t कहाँ से आया, टी प्लस 3t बोले तो 4t। फिर माइनस साइन ऑफ टी माइनस 3t माइनस 2t। तो आपको साइन ऑफ माइनस टी पता है, माइनस साइन टी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 लैपलास साइन 4t माइनस माइनस प्लस साइन 2t। तो आपको लैपलास ऑफ साइन 14 सॉल्व करना है और लैपलास ऑफ साइन 2t सॉल्व करना है। इसके लिए आप लोग फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, लैपलास ऑफ साइन 80 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे साइन ऑफ लैपलास साइन 40 निकलना है, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, तो 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस साइन ऑफ 2t सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 ये आया। तो इसके बाद बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ई रेस टू माइनस टी है। तो अभी तक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखा, तो लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस ए है, तो यहाँ पे प्लस ए करना है, राइट। तो 1/2 लैपलास 4 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर। प्लस 1 क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ई रेस टू माइनस टी है, ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ पे पुटअप क्या करना है, एस प्लस 1 करना है। एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपलास ऑफ ई रेस टू 2t कॉस टी कॉस 3t। तो फर्स्ट टाइम में हम लैपलास ऑफ कॉस टी कॉस 3t को सॉल्व करेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता है, कॉस ए कॉस बी का इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 लैपलास कॉस ए प्लस बी है, तो टी प्लस 3t 4t, तो कॉस 4t प्लस कॉस ऑफ टी माइनस 3t कॉस ऑफ माइनस 2t, और कॉस ऑफ माइनस टी क्या होता है, कॉस टी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 लैपलास कॉस 4t प्लस कॉस 2t लिखेंगे। आपको लैपलास ऑफ कॉस 4t निकलना है और लैपलास ऑफ कॉस 2t निकलना है। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, लैपलास ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। 1/2 लैपलास अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 ये आया, फिर बाद में एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4
इस फॉर्मूला की मदद से आप cos 4t निकालेंगे, cos 2t निकालेंगे, फिर बाद में बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे e रेस टू at f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s माइनस a, राइट। फिर यहाँ पे e रेस टू 2t है तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आई, तो 1 अपॉन 2 लैपलेस ऑफ s माइनस 2 करेंगे, प्लस a है तो माइनस a करेंगे, s माइनस 2 s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपलेस ऑफ e रेस टू माइनस 2t साइन t साइन 4t। तो फर्स्ट स्टेप में हम लैपलेस ऑफ साइन t साइन 4t सॉल्व करेंगे। साइन ए साइन बी आपको फॉर्मूला पता है इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2 लैपलेस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो यहाँ पे t माइनस 4t माइनस 3t कॉस ऑफ माइनस 3t माइनस ए प्लस बी करना है तो t प्लस 4t 5t कॉस ऑफ 5t। कॉस ऑफ माइनस टी आपको पता है इक्वल टू कॉस टी होता है तो 1 अपॉन 2 लैपलेस ऑफ कॉस ऑफ 3t माइनस कॉस ऑफ 5t। तो इसके लिए हम लैपलेस सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला पता है लैपलेस ऑफ कॉस 8t का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। इसके बाद हम बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे लैपलेस ऑफ e रेस टू माइनस 8t f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s प्लस a। यहाँ पे a की वैल्यू माइनस 2 है तो आपको प्लस 2 ऐड करना है तो 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 25, ये आपका फाइनल आंसर है।